नमस्कार दोस्तों, एडवाइज टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे परमानेंट प्लांट के बारे में बता रहे हैं जिसको आप अगर एक बार अपने गार्डन में, अपने बगीचे में लगा देंगे तो लगभग 12 मंथ आपको अच्छे से काफ़ी ढेर सारी मात्रा में फ्लावर दे सकता है। इस प्लांट का नाम है चांदनी। अगर आप इसको लगाते हैं तो आप लगभग साल के 12 मंथ इससे अच्छे खासे फूल ले सकते हैं। एकदम हरा भरा प्लांट रहता है, केयरलेस प्लांट होता है, ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। अगर आप लगाना चाहें तो इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, अच्छे से इसमें फ्लावर कैसे लेने हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी एक परमानेंट प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने ज़मीन पे, बगीचे में, गार्डन में या फिर गमले में एक परमानेंट प्लांट लगाऊं और वो हमेशा फूल देता रहे। अगर आप ऐसा प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो आपको चांदनी का फ्लावर, चांदनी का पौधा एक बार ज़रूर लगाना चाहिए। चांदनी का फ्लावर जो होता है वो लगभग साल के 12 मंथ आपको अच्छे से फ्लावरिंग देता रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग देता रहता है। इतना फ्लावर देगा कि पत्तियों से ज़्यादा इसमें फूल रहता है जब ये पूरा फ्लावरिंग देता है। अभी इस समय इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन जब ये पूरा फूल आ जाएगा तब आप देखेंगे कि इसमें पूरा सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का फ्लावर ही नज़र आएगा। अगर आप दूर से देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप अगर रात में देखेंगे तो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर किसी लाइट के नीचे लगाते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि इसकी कटिंग आपको कैसे लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएँ या फिर वीडियो लिस्ट में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदनी की कटिंग कैसे लगाई जाती है। इसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई है, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। अब हम कुछ इस प्लांट के बारे में जान लेते हैं, प्लांट के देखभाल के बारे में जान लेते हैं। अगर इसकी वैरायटी की बात की जाए तो इसमें दो तीन वैरायटी आती हैं। एक तो आप जो देख रहे होंगे बड़े पत्ती वाली और बड़े फ्लावर वाली, एक इससे छोटी पत्ती और छोटे फ्लावर वाली वैरायटी आती है जो बौनी वैरायटी होती है। अगर आप गमले में परमानेंट प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी बौनी प्रजाति आप लगा सकते हैं। वो थोड़ा छोटा पौधा रहेगा और फ्लावर उसमें भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़े प्लांट हो जाता है। अगर आप, मैं जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ए वाली वैरायटी लगाएंगे तो एक पूरे तरह से पेड़ की साइज़ का हो जाता है, लगभग 7-8 फुट का हो जाएगा अगर आप इसकी अच्छे से कटाई छटाई नहीं करेंगे। तो चांदनी का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी एक निश्चित समय पर कटाई छटाई करते रहें ताकि उसमें आप एक अपने मन मुताबिक उसको ढाल सकें। जितना बड़ा आप रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है तो कटाई छटाई काफ़ी आवश्यक हो जाती है। अगर आपने गमले में लगाया है तो भी आवश्यक हो जाती है। चांदनी का पौधा लगभग 12 मंथ फूल आपको देगा और काफ़ी कम। अगर आपने इस पे ज़मीन पे लगा रखा है तो बिल्कुल भी देखभाल अगर आप नहीं करेंगे तो भी अच्छे खासे फ्लावर आपको दे सकता है। मैंने दो प्लांट ज़मीन पे लगाया हुआ है, काफ़ी सालों से लगा हुआ है। उसमें कोई भी देखभाल मैं नहीं करता हूँ, कोई भी खाद, कोई भी पानी कुछ नहीं डालता हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे खासे उसमें फूल आते रहते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी देखभाल करेंगे, अगर गमले में आपने पौधा लगाया है, क्योंकि गमले के पौधे की देखभाल थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपने ज़मीन पर लगाया हुआ है तो मिट्टी से वो सारे पोषक तत्व लेता रहता है, लेकिन अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो एक सीमित हिस्से से ही सारा सब कुछ लेता है। तो उसके लिए देखभाल ज़रूरी हो जाती है अगर आपने गमले में लगाया हुआ है। तो गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो आप उसमें लगभग 15-20 दिन के अंतराल पर कोई गोबर खाद, कंपोस्ट खाद डालते रहिए। ज़्यादा खाद ना डालिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसमें खाद डाल सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। इसमें आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की सोच रहे हैं तो आप इसमें DAP का यूज कर सकते हैं, पोटाश आप डाल सकते हैं। आप इसमें सरसों की खल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर गमले में लगा रखा है तो अंडे का छिलका, बोन मील डाल सकते हैं। सारे फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो। अगर आप ज़मीन पर लगा रहे हैं तो आप इसमें केवल गोबर खाद ही अगर डाल देंगे समय समय पे तो भी इसमें काफ़ी फ्लावर आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप खाद ना भी डालते हैं, समय समय पे इसमें पानी वगैरह डालते रहेंगे तो भी अच्छी मात्रा में आपको फूल दे देता है। तो कुल मिला के काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और काफ़ी केयरलेस प्लांट होता है, काफ़ी कम केयर की आवश्यकता होती है और अच्छे खासे आप इससे फूल ले सकते हैं। गमले के प्लांट को आपको देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर आपने ज़मीन पर लगाया है तो कम देखभाल की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक की थी कि अगर आप कोई ऐसे प्लांट लगाने की सोच रहे हैं जो एक परमानेंट प्लांट के तौर पर आपको अच्छे खासे फूल दे सके। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा प्लांट है,
मैंने दो प्लांट एक साथ में लगाए हुए हैं और अब मैं ये छत से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा ये एरिया कवर कर लेता है। तो समय समय पे आप इसकी कटाई छटाई भी करते रहिए, नहीं तो काफ़ी बड़ा प्लांट का रूप ये ले लेता है, बड़े पेड़ का रूप ये ले लेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।